हेलो बच्चों, पंकज की पाठशाला में आप सबका फिर से वेलकम है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर टू। अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग मीन्स बड़े से छोटा। फर्स्ट पार्ट है 2/9, 2/3, 8/21। ये आपके पास थ्री फ्रैक्शंस इसमें गिवन है और थ्री की थ्री फ्रैक्शंस के जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे। 3, 9, 21, इनका एलसीएम फाइंड करेंगे। थ्री फैक्टर्स आ गए, 3 × 3 × 7, ये हो गया आपका 63। ठीक है, अब जो फर्स्ट फ्रैक्शन है आपके पास उसको नोट करेंगे, 2/9 मल्टीप्लाई इक्वल, और जो एलसीएम आया हमारा 63 वो यहाँ पर नोट करेंगे। ठीक है, अब देखिए 9 की मल्टीप्लाई किस नंबर से करें कि 63 बन जाए, या फिर 63 को 9 से डिवाइड करने पर क्या वैल्यू मिलेगी, 7। जो नंबर नीचे है वही नंबर ऊपर भी आएगा, 2 × 7 = 14। ठीक है, तो 2/9 जो आपका फ्रैक्शन गिवन था वो अब 14/63 में कन्वर्ट हो चुका है। नेक्स्ट फ्रैक्शन 2/3 मल्टीप्लाई और ये 63 एलसीएम। 3 की मल्टीप्लाई किस वैल्यू से करें कि 63 बन जाए, या फिर 63 को 3 से डिवाइड करें तो क्या वैल्यू आएगी, 21। जो नीचे है वो ही ऊपर भी आएगा, 42। 2/3 जो फ्रैक्शन आपका गिवन था वो अब 42/63 में कन्वर्ट हो चुका है। नेक्स्ट फ्रैक्शन 8/21, यहाँ पर 63। 21 की मल्टीप्लाई किस नंबर से करें कि 63 बन जाए, 3, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24। 8/21 जो फ्रैक्शन आपका गिवन था वो अब 24/63 में कन्वर्ट हो चुका है। अब आप देखिए इन तीनों वैल्यूज का एलसीएम लेने पर मेरे पास 63 आया। 63 से हमारे लिए चीज़ें कुछ ईजी हो गई हैं। यहाँ पर डिनोमेटर तीनों डिफरेंट थे और अब देखिए तीनों के तीनों डिनोमेटर इक्वल हो गए। ठीक है, अब देखिए 63 तो इक्वल हो चुका है। अब उसके ऊपर न्यूमरेटर में जो वैल्यूज़ है उसको अरेंज करेंगे इन डिसेंडिंग ऑर्डर में। 24, 42, 14, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 42। 42/63 पहले कौन सी वैल्यू थी, 2/3। ठीक है, 42 के बाद 24, 24/63 पहले कौन सी वैल्यू थी, 8/21। लास्ट 14/63 ये पहले कौन सी वैल्यू थी, 2/9। तो ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, आगे समझ में। चलिए अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट 1/5, 3/7 एंड 7/10, तीनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो हम इन तीनों का एलसीएम फाइंड करेंगे। इसके फैक्टर आ गए 5, 2 एंड 7, ये आ गया इसका एलसीएम 70। ठीक है, अब फर्स्ट फ्रैक्शन नोट करेंगे, 1/5 मल्टीप्लाई इक्वल टू, यहाँ पर आएगा एलसीएम 70। अब 5 की मल्टीप्लाई किस नंबर से करेंगे 70 मिल जाए, या फिर 70 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 14। ठीक है, जो वैल्यू डिनोमिनेटर में है वही वैल्यू न्यूमरेटर में भी नोट करेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, नेक्स्ट फ्रैक्शन 3/7 एलसीएम 70। 7 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 70 आता है। अब 10 ऊपर भी आएगा, 3 × 10 = 30। नेक्स्ट फ्रैक्शन 7/10
यहाँ 70, 10, 7 जा 70, ऊपर भी 7, ये आ गया 49। देखिए बच्चों, एलसीएम लेने का मेन बेनिफिट ये है कि आपके क्वेश्चन में देखिए डिनोमिनेटर डिफरेंट है। एलसीएम लेने के बाद तीनों के तीनों फ्रैक्शंस के जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल आ चुके हैं, तो इसका बस यही एक बेनिफिट है कि आपको डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू मिल जाती है और ऊपर के जो न्यूमरेटर है उसको आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन हमारा डिसेंडिंग है, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 49/70। 49/70 पहले कौन सा नंबर था, 7/10, ठीक है। अब 49 के बाद 30/70, 30/70 पहले कौन सा नंबर था, 3/7, और लास्ट 14/70 और पहले क्या था, 1/5। तो ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो चुका है और यही आपका आंसर है। आगे समझ में, आई होप कि आपको डिसेंडिंग ऑर्डर अरेंज करना आ गया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तब तक के लिए बाय।